नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि विदाउट डिसअसेंबल आप कैसे लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अपग्रेड करने के लिए मतलब इसके अंदर SSD या RAM बढ़ाने के लिए या चेंज करने के लिए आपको पूरा लैपटॉप डिसअसेंबल करना पड़ रहा है। तो डिसअसेंबल आपको करना ही है। विदाउट डिसअसेंबल आप इसमें हार्ड ड्राइव या SSD या RAM वगैरह आप डाल नहीं सकते। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप विदाउट डिसअसेंबल आप कैसे इस लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों अपग्रेड करने के लिए हम लोगों को डिसअसेंबल करना पड़ता है और डिसअसेंबल में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। मतलब इसको धीरे से खोलना है और धीरे से लगाना भी है। मतलब असेंबल भी करना है धीरे से और डिसअसेंबल भी धीरे से करना है, नहीं तो आपका लैपटॉप जो है वो टूट सकता है। तो दोस्तों आपके पास अगर HP ProBook है, देखिए आज मेरे पास है HP ProBook लैपटॉप, देखिए। तो आपके पास अगर HP ProBook है तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपको लैपटॉप को डिसअसेंबल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि देखिए इसके पीछे का सेक्शन आप अगर देखोगे बैक साइड, देखिए बैक साइड में आपको पूरा एक्सेस ईजीली आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखा देते कि कैसे आपको इजी तरीके से अपग्रेड करना है इसको खोले बिना। तो दोस्तों मैंने 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इनवाइट किया था कि आपको भी अगर जानना है सीखना है कि कैसे बहुत ही इजी तरीके से विदाउट डिसअसेंबल आप लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हो, तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए। इसका फुल ट्यूटोरियल वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज हम आप लोगों को दिखा रहे थे कि कैसे आपको अपग्रेड करना है। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रू था और यहाँ पे एक स्क्रू था, मैंने थोड़ा सा खोला है तो देखिए यहाँ पे खुल चुका है और यहाँ से भी आप बड़ी आराम से इसको निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे रैम का 2 स्लॉट आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे तो एक स्लॉट में रैम लगा हुआ है और एक रैम अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए हार्ड ड्राइव लगा हुआ है शायद। देखिए हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, मैं यहाँ से इजीली इसको खोल सकता हूँ। इसके लिए हमको लैपटॉप डिसअसेंबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा आवाज़ दोस्तों आप लोगों को मिल रहा है, माफ़ी चाहेंगे क्योंकि मेरे पास अच्छा स्टूडियो नहीं है। तो देखिए यहाँ से आप आराम से हार्ड डिस्क को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से आराम से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हार्ड ड्राइव लगा हुआ है। तो अभी आपको देखना है कि आप यहाँ पे हार्ड डिस्क SSD लगाएंगे या यहाँ पे देखिए NVMe का स्लॉट दिया गया है, NVMe भी आप लगा सकते हो। तो चॉइस आपके ऊपर है कि कौन सा डिवाइस से आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो। और दोस्तों आपको अगर वाईफाई का प्रॉब्लम भी होता है तो भी आपको लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाईफाई कार्ड भी यहाँ से बहुत ही आसानी से दिख रहा है। तो दोस्तों देखिएगा और कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का और हो सके तो इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाने के। और दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको अगर मदरबोर्ड के ऊपर काम करना है तभी जाके आपको डिसअसेंबल करना है, अदरवाइज बाहर से ही आपका पूरा काम हो जाएगा। इवन आपका अगर डिस्प्ले चेंज करना है तो मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि डिस्प्ले चेंज करने के लिए आपको लैपटॉप खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए जो CMOS बैटरी है, जो BIOS का बैटरी होता है, BIOS बैटरी आपको अगर चेंज करना है तो देखिए आपको डिसअसेंबल करना है। तो एक छोटे से काम के लिए आपको डिसअसेंबल करना है जो कि बहुत ही मतलब कम हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है इसको चेंज करने का। तो मतलब 5-10 साल बाद जाके आपको चेंज करना है, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही मतलब रह जाएगा। लेकिन हम लोगों का जो दिक्कत होता है हार्ड ड्राइव में या रैम के सेक्शन में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आप अगर HP का कमर्शियल वर्सन जो है, देखिए यहाँ पे ProBook,
तो आपके पास अगर कमर्शियल वर्सन का कोई भी लैपटॉप है तो उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर से ही इसको रिपेयर कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। और डिस्प्ले चेंज करने के लिए भी मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके चेक कीजिए। इसके लिए भी आपको ऊपर से ही सब कुछ डिस्प्ले वगैरह आप चेंज कर सकते हो, इसके लिए भी आपको लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पे जो कीबोर्ड लगा हुआ है, इस कीबोर्ड को चेंज करने के लिए भी आपको लैपटॉप को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों फ़ायदा यही है कि आपके पास अगर प्रोबुक या बिजनेस लैपटॉप है तो आप बहुत ही आसानी से ये वाला काम कर सकते हो। और कोई जानकारी चाहिए लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, प्रिंटर के ऊपर, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में डालिए क्या जानना चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का। और आप अगर मुझे कोई पिक्चर वगैरह वीडियो वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पर डायरेक्ट DM कर सकते हैं। और दोस्तों फेसबुक में भी ये वाला वीडियो अपलोड होगा, तो फेसबुक से आप अगर देख रहे हो तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज में पिक्चर वीडियो डाल सकते हो। और दोस्तों आपको अगर फेसबुक में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, तो एक तो सपोर्ट चाहिए और एक लाइक भी चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।